मेरे बाल बचपन से लंबे घने रहे हैं, इनफैक्ट अभी जो आप देख रहे हो इससे भी ज्यादा घने हुआ करते थे। लेकिन एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था जब मैं जब भी बालों में हाथ डालती 10 बाल जड़ से निकल करके गिर जाते, जब भी कंघी करती तो कंघी में 50 बाल निकल करके गिर जाते। सोके उठी तो तकिए पे बहुत सारे बाल नजर आ रहे होते थे, घर में बस मेरे बहुत सारे बाल टूटते रहते थे। अब वो ऐसा इसलिए हुआ था कि मेरी कुछ गलती थी जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर मैंने जाने अनजाने कर दिया था, उसकी वजह से ये हुआ था। तो आज की वीडियो में आपको अपनी गलती बताऊंगी जो गलती आप मत करना, और सॉल्यूशन बताऊंगी जो करने की वजह से मेरे सर पे अभी जो बाल आप देख रहे हो ना ये बच गए और मेरे बालों की रीग्रोथ हुई है और मेरे बाल बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में फिलहाल हैं। तो आप देख रहे हो वी नेचुरल, मैं हूं रेखा। बात करते हैं कैसे आप अपना हेयर रीग्रो कर सकते हो और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो जब एज अ टीचर मेरी जॉब एक अच्छे खासे स्कूल में लग गई थी और सैलरी भी मुझे अच्छी खासी मिलने लग गई थी, तो जब पहले पहले सैलरी आती है ना तो हम सोचते हैं हम अपने ऊपर क्या खर्च करें, कैसे और सुंदर दिखे। और उन दिनों हेयर रिबॉन्डिंग करने का बहुत ज्यादा चलन चला हुआ था, 2009 या 2010 के आसपास की बात है। तब रिबॉन्डिंग इतना क्रेज था मुझे उसका, मेरे बाल वैसे भी स्ट्रेट थे बट फिर भी एकदम पोकी स्ट्रेट में कराना चाहती थी और पैसे आ गए थे, अब जितने आए थे उतना प्रोफेशनल पार्लर में जाकर के रिबॉन्डिंग कराने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। मेरी एक थी फ्रेंड पार्लर वाली, तो उन्होंने बोला कि वो करना चाहती है मेरे बालों पे रिबॉन्डिंग और सस्ते में कर देंगी, तो सिर्फ 3,000 में इतने लंबे बालों पे उन्होंने रिबॉन्डिंग कर दी। बट उनका फर्स्ट था, उससे पहले किसी का किया ही नहीं था, तो उतनी अच्छी क्वालिटी का रिबॉन्डिंग मेरा हुआ नहीं, तो मैं बहुत अपसेट थी और मैंने वो जाके बहुत कंप्लेन किया कि अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं दोबारा कर देती हूँ। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने मेरे बाल में दोबारा से रिबॉन्डिंग किया, लेकिन 10 दिन में 2 बार, आप 1 साल में 1 बार कर सकते हो और मैंने 10 दिन में 2 बार रिबॉन्डिंग कर ली और उसकी वजह से मेरे बालों की जड़ें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, मेरे बाल बुरी तरीके से टूटने लगे, झड़ने लगे और मतलब गंजेपन का शिकार होने लग गए। बहुत बहुत ज्यादा मेरी स्कैल्प नजर आने लग गई थी और मतलब यंग एज में इतना ज्यादा हेयर फॉल होना बहुत एम्बैरेसिंग सा लगता है, तो मैं उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। अगर आपके बाल किसी बहुत गहरी बीमारी की वजह से टूट रहे जैसे एलोपेशिया है, तो हो सकता है ये प्यास उतना वर्क ना दिखा पाए, उसमें आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। लेकिन तो आप उन सारी कमियों को पूरा करो, खाना अच्छा खाओ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट आपको दे दूंगी, ये सारा अपने डाइट में इंक्लूड करो, स्ट्रेस कम लो और ये प्याज अपने बालों में लगाओ, तो देखो आपके बालों की रीग्रोथ कैसे होता है और बाल टूटना भी कम हो जाएगा। तो बस इस DIY में एक प्रॉब्लम है कि इस DIY से स्मेल बहुत ज्यादा आती है और बहुत सारे लोग स्मेल को बैर नहीं कर पाते हैं, उल्टी भी आने लग जाती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, बाल आपके अच्छे हो गएंगे तो स्मेल से बचने के लिए भी मेरे पास एक रेडीमेड सॉल्यूशन है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको DIY दिखा देती हूँ। तो DIY हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है ऑयल। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ऑयल ले लीजिए, आप एक प्याज लीजिए, प्याज को छीलिए, कद्दूकस कीजिए, छान लीजिए और प्याज का रस निकाल लीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक एलोवेरा जेल लिया है और उसको अच्छी तरह से धो के काट के मिक्सर ग्राइंडर में इसके जेल को पीस लिया है। प्याज का रस और एलोवेरा जेल को तेल में हम मिक्स करेंगे। तेल आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से लोगे, प्याज आप 4 से 5 चम्मच ले लीजिए और एलोवेरा जेल आप जितना चाहो उतना आप ले सकते हो, वो बालों के लिए अच्छा ही होता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और अपने रूट के ऊपर लगाओगे, स्कैल्प पे लगाओगे, लेंथ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बाल टूट रहे तो यहाँ से टूट रहे यहाँ पे लगाओ और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू हर्बल शैम्पू से हेयर वॉश कर लो। तो इस तरीके से आपके बाल रीग्रो हो सकते हैं, यही ट्राई में आपके सिर्फ 2 से 3 बाल टूटेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि प्याज की बदबू आती है और बैर नहीं कर पाते हैं, ये बदबू सहन सबसे नहीं हो पाती और कभी कभी बाल धोने के बाद भी थोड़ी बहुत बदबू रह जाती है प्याज की। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप रेडीमेड सॉल्यूशन, अगर आप हॉस्टल में रहते हो आपके पास टाइम नहीं है और क्विक फिक्स चाहते हो, ये क्योंकि नेचुरल रेमेडी मैंने आपको बताई है, नेचुरल चीजें धीरे धीरे वर्क करती है, ये कम से कम 2-3 महीना लेगा ही आपको बेस्ट रिजल्ट देने में, हालांकि फर्स्ट वॉश में ही आपको डिफरेंस नजर आ जाता है, लेकिन 100% हेयर ग्रोथ के लिए आपको 2-3 महीना इसको कंटिन्यूअसली हफ्ते में 2 बार यूज करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ ऐसा कौन सा रेडीमेड सॉल्यूशन है जो आपके बालों को जड़ से टूटने से रोकेगा, बालों को रीग्रोथ प्रोवाइड करेगा और हेयर फॉल को स्टॉप करेगा। आजकल जो वेदर चल रहा है इस वेदर में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बाल टूट रहे हैं, लेकिन अगर आपको हेयर रीग्रो करना है तो बालों के लिए प्याज के तेल से ज्यादा अच्छा अनियन ऑयल से अच्छा कोई तेल हो ही नहीं सकता है। तो जब भी आप मार्केट से अनियन ऑयल खरीदे, 2-3 बातों
आंखों का ध्यान रखें, पहले तो रेड अनियन ऑयल होना चाहिए, उसके अंदर पैराबिन नहीं होना चाहिए, सल्फेट नहीं होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और उसके इंग्रेडिएंट उसके ऊपर मेंशन किए होने चाहिए। आपको बेस्ट रेड अनियन हेयर ऑयल का रिव्यू देने के लिए मैं ऑनलाइन ऐसे ही किसी ऑयल के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मेरी नजर पड़ी खादी पे और मुझे याद आया कि खादी का तो सबसे अच्छा होता है, जितने भी आयुर्वेदिक चीजें होती है खादी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा होता है। खादी में मैं खादी ग्लोबल की बात कर रही हूँ, तो उनकी वेबसाइट मैंने देखा, आप वो चेक करोगे तो वहां पे आपको रेड अनियन ऑयल मिल जाएगा, तो उसका इंग्रेडिएंट क्वालिटी सब मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मैंने उसको अमेजोन पे भी चेक किया और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि 800 लोगों ने उसको रेटिंग दे रखी है, 4 स्टार मिल रखा है और मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक वहां से मैं स्क्रीनशॉट लेकर के अमेजोन से लगा के आपको दिखाऊंगी कि लोगों ने पर्सनली यूज किया उनको अच्छा लगा तो उसको 4 स्टार दिया और इतना भर भर के तारीफ मिला है। जब मैंने इतनी सारी तारीफ सुनी तो मेरा भी मन किया चलो मैं भी ट्राई करती हूँ और आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, अगर अच्छा लगे तो क्या पता आप लोगों के भी हेयर फॉल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि लड़कियों का हेयर फॉल होना बहुत दिक्कत की बात होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, वो जो बाल स्कैल्प नजर आती है बहुत बहुत बुरा लगता है। तो मैंने भी खादी का रेड अनियन हेयर ऑयल मंगवाया एंड मैंने इसको यूज किया। सबसे अच्छी बात कि ये प्याज का तेल है लेकिन प्याज वाली गंदी बदबू नहीं आती है इसको यूज करने में, इसमें माइल्ड सी अच्छी वाली फ्रेग्रेंस आती है। इसका कलर एकदम रेड है, जैसे घर में मैं अगर प्याज का जूस निकालूं तो उसका जूस भी रेड कलर में निकलता है, तो ये उसी कलर में है। इसके बॉटल के पीछे इसका पूरा इंग्रेडिएंट अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है रेड अनियन के एक्सट्रैक्ट, करी लीव्स और सनफ्लावर, विटामिन ई, कोल्ड प्रेस आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, आमला, हिबिस्कस, नीम ऑयल, प्रिंगराज, जटामासी, शिया बटर, सैंडलवुड ऑयल। इसके अंदर 29 नेचुरल बोटानिकल ऑयल एसेंशियल ऑयल के एक्सट्रैक्ट है, ये 100% नेचुरल है, इसके अंदर कोई मिनरल ऑयल नहीं है और पैराबिन नहीं। और इसको ट्राई करने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप रेडीमेड सॉल्यूशन अगर आप रेड अनियन ऑयल में ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली इसने मेरे हेयर फॉल को रोका है और नए बाल भी मैं देख पा रही हूँ। और आप अगर अमेज़न के रिव्यूज भी रेटिंग्स भी देखोगे तो वहां भी लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने नए बाल देखे हैं इसको यूज करने के बाद। तो ये सिर्फ मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके अपने लिए चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे आपको लगाने का एप्लीकेशन भी दिखा देती हूँ, बस आपको जरा सा लेना है, आप अपने फिंगर से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉटन से लिया है और कॉटन से इसको इस तरीके से डिप 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 करके आपको जहाँ पे आपको पैच बाल्डनेस लगता है, जहाँ गंजापन है, जहाँ आपको लगता है बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, वहां पे आप इसको कॉटन से लगा देंगे और आप 1 से 2 घंटा छोड़ दीजिए या आप रात भर भी छोड़ सकते हैं उसको अपने बालों में और नेक्स्ट मॉर्निंग आप हेयर वॉश कर लीजिए नॉर्मल शैम्पू से। ये आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार करना है, बेस्ट रिजल्ट आपको 1 महीने में मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ ऊपर से हेयर ऑयल लगाने से कुछ नहीं होता है, प्रॉपर डाइट लीजिए, नींद लीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया कीजिए, बाल व्यायाम किया कीजिए, बालों में अच्छी सी चंप भी दिया कीजिए और अच्छी क्वालिटी का शैम्पू वगैरह भी ट्राई कीजिए। तो सारी चीजें मिलकर के एक साथ करोगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल स्टॉप होगा और न्यू हेयर की भी ग्रोथ आएगी। तो ये था मेरा आज का हेयर केयर वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो बी नेचुरल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कैसे गए, बाय।